हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया के सबसे जाने माने ब्रोकर अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है और दोस्तों आप 5 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि अपस्टॉक के साथ ये हम डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करवाएं, अपस्टॉक्स ऐसा क्या खास दे रहा है हमें। तो दोस्तों पहली बात है, अपस्टॉक्स में बिल्कुल फ्री में अभी डीमैट अकाउंट खुल रहा है और दोस्तों जो इक्विटी डिलीवरी के चार्ज ब्रोकरेज है बिल्कुल फ्री है, मतलब आजीवन हमें कोई इक्विटी डिलीवरी की ब्रोकरेज नहीं देनी है। और दोस्तों इंट्राडे के चार्ज, मतलब इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर हम कोई भी शेयर को खरीद के और बेच देते हैं तो उसको कहते हैं इंट्राडे, तो उसके चार्जेस ज्यादा से ज्यादा 0.05% या दोस्तों हाईएस्ट से हाईएस्ट हमें 20 रुपए पर ऑर्डर लेता है। और दोस्तों तीसरी खास बात है अपस्टॉक्स के अंदर टाटा का ट्रस्ट, दोस्तों ये अपस्टॉक्स टाटा कंपनी का है। और दोस्तों चौथी बात है, आप फ्री में डिजिटल गोल्ड का फ्री स्टॉक भी जीत सकते हैं, मतलब डिजिटल गोल्ड जो मतलब गोल्ड होता है उसका एक स्टॉक आपके खाते के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा डीमैट अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं वो बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में डिजिटल गोल्ड जीत सकते हैं। और दोस्तों इसका एएमसी चार्ज मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मतलब 25 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी, या दोस्तों यूं कहें 300 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब सालाना 300 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो दोस्तों पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, फिर दोस्तों सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस लगेगा, आप मोबाइल के अंदर ही डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर, व्हाइट प्लेन पेपर पर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रख लीजिए। दूसरा है आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो, वो दोनों खींच के आप रख लीजिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड का फ्रंट साइड का सिर्फ फोटो। चौथा है दोस्तों आपका फोटो या सेल्फी। और पांचवा है दोस्तों बैंक अकाउंट का आपको नंबर याद रखना है और आईएफएससी कोड आपको याद रखना है, वो आपको एंटर करना है। दोस्तों अगर आप इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो ये पांचों डॉक्यूमेंट काफी हैं। बाकी अगर दोस्तों आप अगर एफएनओ और कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के अंदर आपको सैलरी स्लिप या आईटीआर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। पर दोस्तों अभी आप नए हैं तो एफएनओ और कमोडिटी को इग्नोर कर दीजिए, आप इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग कीजिए। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद अब अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं और दोस्तों फ्री में डिजिटल गोल्ड जीतना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप अपस्टॉक्स के साइनअप पेज पे सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये अपस्टॉक का साइनअप का पेज खुल गया है, अब आप अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंटर कीजिए। अब दोस्तों सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कीजिए। फिर दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, अपना मैरिज स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम लाख से कम हो जो भी हो आपकी एनुअल इनकम वो भरिए, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आप शेयर मार्केट के अंदर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है वो भरिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 to 1 year भरिए। फिर दोस्तों ऑक्यूपेशन भरिए, आप क्या काम करते हैं वो ऑक्यूपेशन, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भरिए, अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिले तो अदर भरिए। फिर दोस्तों पैन कार्ड के अंदर जो आपके फादर का नेम है वो भरिए। फिर दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है अगर आप इंडिया के अलावा टैक्स पे करते हैं क्या कोई दूसरी कंट्रीज के अंदर तो वो भरिए, अगर आप पे करते हैं तो यस कीजिए, अगर आप पे नहीं करते इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स तो आप नो कर दीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर दोस्तों अगर आपने हमारी लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आपको फ्री में डिजिटल गोल्ड जीतने का मौका दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप फ्री में डिजिटल गोल्ड चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, तो अगर दोस्तों आप फ्री में डिजिटल गोल्ड का स्टॉक नहीं चाहते हैं तो नो आई डोंट वांट पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है, आईएफएससी कोड भरना है, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है करंट है या सेविंग अकाउंट है वो भरना है। मैंने आपको कहा था कि आप अपना आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए, तो अभी आपको ये भरना है। फिर ये डिटेल भरने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर या साइन का फोटो अपलोड करना है। फिर दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिजी लॉकर के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कीजिए, जो भी आपने फोटो खींच के रखे थे डॉक्यूमेंट्स के वो डिजी लॉकर के साथ आप अपलोड कीजिए। नीचे दोस्तों ऑप्शन आता है कनेक्ट योर अकाउंट विद डिजी लॉकर, उस पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार कार्ड एंटर करने का, अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है तो आप आधार कार्ड एंटर करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जो ओटीपी आता है आपके नंबर पर उसको एंटर कीजिए। फिर दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों डिजी लॉकर को आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अलाउ करें, अलाउ का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लाइव फोटो क्लिक करने के लिए, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों कैप्चर कीजिए अपना फोटो। अब दोस्तों फोटो कैप्चर करने के बाद आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। अब दोस्तों ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाता है, उसको एंटर कीजिए। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आपका अकाउंट खुल चुका है।
अब अगर आप दोस्तों FNO और कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप या कोई भी इनकम प्रूफ वो अपलोड कर दीजिए। अगर दोस्तों आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों जो भी नए यूजर है वो इसको स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों ई साइन विद आधार पर क्लिक कीजिए और दोस्तों जो OTP आता है उसको एंटर कीजिए। अभी दोस्तों स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, जो भी हमारे आधार कार्ड के अंदर साइन है, हमारे जो साइन किए हुए हैं आधार कार्ड के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ई साइन मतलब ऑनलाइन साइन हो जाएंगे। अब दोस्तों साइन नाउ पर क्लिक कीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो पढ़ लीजिए, फिर दोस्तों साइन नाउ पर क्लिक कीजिए, आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर कीजिए। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स पर ऑनलाइन साइन हो जाएगा, जो भी हमारे आधार कार्ड के अंदर साइन है वो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर साइन हो जाएगा। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। दोस्तों ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस, आप घर बैठे आसानी से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी टीम है जो आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट करेगी और दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर आपको ID और पासवर्ड मिल जाएंगे आपको डीमेट अकाउंट चलाने के। और दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट ओपनिंग स्टेटस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने लिंक प्रोवाइड करा उस पर वापस क्लिक करके अपने फोन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करके आप अपना अकाउंट ओपनिंग स्टेटस देख सकते हैं। तो दोस्तों अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और दोस्तों अपस्टॉक्स पर शेयर सेल और बाय कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।